अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। तालिबान विरोधी फौजें उसके लड़ाकों के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। एक तरफ पंजशीर में दोनों पक्षों का मुकाबला चल रहा है तो दूसरी तरफ बगलान प्रांत में तालिबान को बड़ा झटका लगा है। बगलान के अंदराब में छिपकर तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया। हमले में तालिबानियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तालिबान विरोधी लड़ाकों की तरफ से दावा किया गया है कि इस हमले में उन्होंने 300 तालिबानियों को मार गिराया है। खबर यह भी है कि हमले के बाद कई तालिबानियों को कैद कर लिया गया है। तो वहीं अब खबर आ रही है कि अफगानी कमांडो ने 800 तालिबानियों को मार गिराया है। अफगान कमांडोज की वर्दक, कपीसा, परवन समेत कई इलाकों में फोर्स जंग लड़ रही है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी इस हमले की ओर इशारा किया है। एक ट्वीट के जरिए तालिबान पर तंज कसते हुए कहा गया है कि जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया है उसके लिए एक पीस में जिंदा वापस आना भी चुनौती थी। अब तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी है। तालिबान विरोधी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के उत्तरी बगलान प्रांत के 3 जिलों से तालिबान को बाहर कर दिया था। इन लड़ाकों ने पुल ए हिसार, देह सलाह और बानू जिले पर शुक्रवार को अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन तालिबान ने शनिवार को फिर से बानू पर कब्जा जमा लिया था। अब बचे हुए 2 जिलों को वापस लेने के लिए तालिबान लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो वहां पर एक बड़े हमले की तैयारी में हैं, लेकिन पंजशीर के नेता अहमद शाह मसूद के 32 वर्षीय बेटे अहमद शाह ने कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को तालिबान को नहीं सौंपेंगे। वहीं दूसरी तरफ तालिबान किसी भी स्थिति में अब पंजशीर में अपना कब्जा जमाना चाहता है। उसे इस बात का अंदाजा है कि बिना इस इलाके पर कब्जा किए बिना सरकार चलाना काफी मुश्किल होगा। अफगान कमांडो के कर्मियों ने पंजशीर में बीती रात कहा कि तालिबान ने कहा कि उन्होंने हमें आत्मसमर्पण करने के लिए 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हमने उनसे कहा, हम आपको आने वाले 4 साल देते हैं। सालंग में तालिबान की सप्लाई लाइन को नष्ट कर दिया गया है। हमने अपनी स्थिति और मजबूत की है। तालिबान के लिए सरकार बनाना मुश्किल भले हो सकता है, लेकिन उस तरफ कदम जरूर बढ़ा दिए गए हैं। तालिबानी नेता लगातार कई अफगानी नेताओं संग मुलाकात कर रहे हैं। काबुल में कई महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई संग भी तालिबान नेता बातचीत कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क को भी साथ जोड़ने पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी पंजशीर के लड़ाकों से पार पाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पंजशीर में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह साले तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इकलौता प्रांत पंजशीर ही है जहां तालिबान के खिलाफ नया नेतृत्व बन रहा है, जो तालिबान की सत्ता को मानने से इनकार कर रहा है। अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद भी तालिबान से हमेशा लड़ते रहे हैं। उन्होंने तो अफगानिस्तान से सोवियत संघ को भी बाहर करने में अहम भूमिका निभाई थी। अहमद शाह मसूद की हत्या साल 2001 में तालिबान और अलकायदा के लड़ाकों ने की थी। पंजशीर के लड़ाकों का कहना है कि वे तालिबानी ताकतों के खिलाफ डटकर मुकाबला करेंगे। यहां के लोगों को तालिबान से खौफ नहीं है। पंजशीर घाटी की आबादी महज 2 लाख है। काबुल के उत्तर में यह इलाका महज 150 किलोमीटर दूर है। अशरफ गनी की सरकार में रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने ऐलान किया है कि वे पंजशीर की सुरक्षा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पंजशीर घाटी तालिबानी ताकतों का विरोध लगातार करती रहेगी। जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के ऐलान को तालिबान के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। जाहिर तौर पर तालिबान के लिए भी पंजशीर घाटी पर फतह करना अब भी सबसे बड़ी चुनौती है। 70 और 80 के दशक में एक वक्त ऐसा आया जब तालिबान ने पंजशीर घाटी को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी उन्हें पंजशीर में कामयाबी नहीं मिली। वहीं इसी दौरान जब सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तब भी पंजशीर के लड़ाकों ने उन्हें शिकस्त दी थी। ताजिक समुदाय के रहने वाले लोग चंगेज खान के वंशज हैं।
यह समुदाय लगातार तालिबानियों के लिए चुनौती बना हुआ है।